खबर समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर से आ रही है, जहां प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद गत एक माह से जारी ऊहापोह और खींचतान बुधवार को विराम लग गई। अनुमंडल मुख्यालय दलसिंह सराय में निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडलाधिकारी प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के रिक्त पदों के लिए कराए गए चुनाव में कृष्णा देवी को प्रमुख और राम लखन शाह को उप प्रमुख के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने बताया कि विद्यापति नगर प्रखंड प्रमुख रूबी देवी और उप प्रमुख मृत्युंजय कुमार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 15 जनवरी को विशेष बैठक के बाद मतदान कराया गया था। इस बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद आज अपर समाहर्ता राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पद के लिए चुनाव कराया गया। प्रमुख पद के लिए निवर्तमान प्रमुख रूबी देवी और कृष्णा देवी ने नामांकन दर्ज कराया। वहीं उप प्रमुख के लिए मृत्युंजय कुमार और राम लखन शाह ने दावेदारी पेश की। इस बैठक में उपस्थित सभी 21 पंचायत समिति सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें कृष्णा देवी के पक्ष में 13 मत पड़े तो वहीं रूबी देवी को 8 मत मिले। उसी प्रकार उप प्रमुख पद के लिए राम लखन शाह को 13 मत मिले, जबकि मृत्युंजय कुमार को 8 मत मिले। समस्तीपुर से रत्न शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव आया और आप जीते हैं, क्या अपेक्षा पर उतरेंगे लोगों के? जनता कोशिश रहेगी हमारी। कारण क्या रहा अविश्वास? पंचायत समिति सारे जो पंचायत समिति सदस्य थे वो संतुष्ट नहीं थे, उनके काम से बराबर व्यवहार नहीं दिया जाता था। चलिए, आगे क्या योजना है आपकी, किस तरह से संतुष्ट करेंगे? अभी हम भी तो नए हैं, आगे देखिए, कोशिश रहेगी हमारी बेहतर की। 2 साल से है ना आप असंतुष्ट हुए, इसलिए लगाए अविश्वास। तो अब जो आपका को कमी देखा जिसके कारण आपने अविश्वास लगाया, तो अब आपसे क्या उम्मीद करेंगे, जनता को क्या कहेंगे? हमारी कोशिश रहेगी कि जनता के इस पे खड़ा उतरे। सर हो गए सर, चलिए ना, कितने हो गए? चलो चलिए निकलिए, अब चलिए ना बाहर। कितने वोट से खड़े हैं? 13। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो बाहर।